मैं नहीं चाहती जो शगुन परिहार के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। जिस तरह इन्होंने मेरा जहां उजाड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी और का ही साथ ये सब करे। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की है, और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है। और आतंकवाद भी ये दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। अपने घर में वोटिंग से पहले भगवान शिव की और बाकी देवी देवताओं की पूजा करती, माथे पर तिलक और हाथ में बहुत से कलावे बांध कर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आई भाजपा की इस कैंडिडेट की चर्चा आज हर कहीं हो रही है। ये शगुन परिहार हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों के लिए किश्तवाड़ सीट से टिकट दी है। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर आए तब मेन स्टेज पर शगुन परिहार भी मौजूद थी, और पीएम ने कहा था कि बेटी शगुन सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है। तो आइए आपको आज शगुन परिहार के बारे में बताते हैं कि कैसे आतंकवाद ने इनके सिर से पिता और चाचा का साया छीन लिया। मैं नहीं चाहती जो शगुन परिहार के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, इसलिए मैं चाहूंगी यहाँ की हर बेटी के सिर पे पिता का साया रहे, क्योंकि बेटियों को पिता से एक होता है ना कि बेटियों के लिए पिता एक मुकम्मल जहां होता है। तो जिस तरह इन्होंने मेरा जहां उजाड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी और का ही साथ ये सब करे। शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी की एक युवा नेता हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इन चुनाव में शगुन परिहार के नाम की चर्चा उनके परिवार से जुड़े दर्दनाक इतिहास की वजह से हो रही है। शगुन बीजेपी के दिवंगत नेता अनिल परिहार की भतीजी हैं। उनके चाचा अनिल परिहार और उनके पिता अजीत परिहार दोनों की 1 नवम्बर 2018 को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। दरअसल 1 नवम्बर 2018 को किश्तवाड़ में उनके चाचा अनिल परिहार के पिता अजीत परिहार अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और पिस्तौल से गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले के बाद आतंकियों की तलाश शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने 9 अक्टूबर 2019 को 4 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें परिहार भाइयों के हत्यारे भी शामिल थे। शगुन के चाचा अनिल परिहार की बीजेपी में अहम भूमिका और उनके परिवार की बलिदानी विरासत को देखते हुए पार्टी ने शगुन परिहार को किश्तवाड़ से उम्मीदवार बनाया। शगुन ने कहा कि यह चुनाव उनके पिता और चाचा की शहादत को श्रद्धांजलि है। वे भावुक होकर बताती हैं कि उन्होंने अपने परिवार के खून का कतरा कतरा किश्तवाड़ के लिए दिया है और ये चुनाव उन्हीं के नाम है। शगुन ने सुरक्षा और रोजगार को अपनी प्रायोरिटी में रखा है और वो कहती हैं कि घाटी में आतंकवाद अपने आखिरी चरण में है, जो अब एक दिए की तरह फड़फड़ा रहा है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है, और यहां के विकास की रणनीति को अपनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी हद तक आतंकवाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की हैं, और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है। और आतंकवाद भी ये दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शगुन परिहार को टिकट दिए जाने पर कहा कि वह आतंकवाद का शिकार बनी एक बहादुर बेटी है। उन्होंने कहा कि शगुन सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वह बीजेपी के उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का संकल्प है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। शगुन परिहार ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक किया है और ये फिलहाल एक रिसर्च स्कॉलर हैं, माने ये पीएचडी कर रही हैं। शगुन ने पहले कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन परिवार के दर्दनाक अनुभवों और अपने चाचा व पिता की शहादत ने उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अब देखना ये होगा कि क्या किश्तवाड़ की जनता शगुन परिहार को चुनती है और उन्हें पहली ही बार में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचाती है या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।